केस में बड़ा एक्शन लिया गया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ यहां पर एफआईआर दर्ज की गई है। कई धाराओं में भूपेश बघेल को आरोपी बनाया गया है। ईओडब्ल्यू ने दर्ज की भूपेश बघेल पर एफआईआर। ईडी की रिपोर्ट पर भूपेश बघेल के खिलाफ यह एक्शन लिया गया है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अब सियासत गरमाई हुई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि भूपेश बघेल जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में विधायक भी हैं और साथ ही साथ राजनांदगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं। और एक तरफ चुनाव का क्रम जो है, चुनाव की पूरी कवायद जो है वो चल रही है और दूसरी तरफ भूपेश बघेल एक मामले में अब फंसते नजर आ रहे हैं। ईओडब्ल्यू ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। ईडी की रिपोर्ट के आधार पर यह एफआईआर हुई है भूपेश बघेल पर। यह एफआईआर कई धाराओं के तहत इन पर मामला दर्ज कर लिया गया है। तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं, चुनाव का वक्त है और इसके पहले भूपेश बघेल मुश्किल में पड़ सकते हैं क्योंकि एफआईआर ईओडब्ल्यू की तरफ से, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की तरफ से उन पर दर्ज कर ली गई है। मामला महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा हुआ। और इसी बीच एक और बड़ी खबर नोएडा से, जहां पर यूट्यूबर एल्विश यादव गिरफ्तार किए गए। रेप पार्टी मामले में एल्विश यादव की गिरफ्तारी हुई है। सेक्टर 113 थाने की पुलिस ने एल्विश यादव को अरेस्ट कर लिया है। एल्विश यादव का मेडिकल टेस्ट भी कराया गया है। तो ये देखिए, ये यूट्यूबर एल्विश यादव जिस पर रेव पार्टी में नशा पर उसने और खासतौर पर स्नेक पॉइजन जो है उस तक के आरोप लगे कि ये स्नेक पॉइजन जो है ये परोसता है पार्टीज में, और एल्विश यादव की गिरफ्तारी आखिरकार कर ली गई है। ये बड़ी खबर नोएडा से आपको बता रहे हैं।